ये कुछ अधिवक्ता समिट रेस्टोरेंट में गए थे, बैठे अपना नाश्ता पानी कर रहे थे। वहाँ कुछ पुलिसकर्मी पहुँचे, कुछ दूसरे गुट से उनका विवाद हुआ था, लेकिन उस गुट को न ढूंढ करके ये लोग गए और वहाँ पे हाल बंद करके लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने लगे। कुछ अधिवक्ता वहाँ बैठे थे, उन्होंने विरोध किया कि भाई इस तरह से आप सार्वजनिक तौर पर लोगों को अपमानित नहीं कर सकते हैं। इस पर उन लोगों ने उन अधिवक्ताओं को मारना शुरू कर दिया और जब इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया तो उसके बाद सिटकनी बंद करके, कमरे में बंद करके इन्होंने लाठी चार्ज किया और बुरी तरह से मारा, जिससे किसी की नाक टूटी है, किसी का सर फटा है, किसी की अंदरूनी चोटें आई हैं, दो तीन अधिवक्ताओं का हाथ टूट गया है। ये परिस्थितियाँ हैं। इस संबंध में विभूति खंड SO को कल ही अवगत करा दिया गया था, DCP ईस्ट को अवगत करा दिया गया था, लेकिन उन लोगों के समझ में अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आज उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हो। आज इन लोगों ने बार में, वो जो भी बार के सदस्य हैं, 5-6 लड़के हैं, सब लोगों ने अपना प्रत्यावेदन दिया है बार में और बार उस पर एक्शन ली है। अगर इन अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो भी मारपीट हुई है, इसके विरुद्ध FIR लिखकर उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं किया जाता है या उस थाने से इनको हटाया नहीं जाता है, तब तक हमारी ये प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर आज अभी ये FIR घंटे आधे घंटे के अंदर नहीं करते हैं तो कल से हम लोग पूर्णतया बायकॉट पे चलेंगे। अभी